अभी तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी गए थे क्रिकेट मैच देखने। कि लुभावने नारे से गरीब का पेट नहीं भरता, इन लुभावने नारों से अयोध्या में दीपावली जला देने से या लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था कर देने से जो है किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले बाहुबली सपा नेता रमाकांत यादव से मिलने पहुंचे पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री राम आसरे। सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में बंद समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता व फूलपुर विधायक रमाकांत यादव से पूर्व तकनीकी शिक्षा मंत्री सपा नेता राम आसरे विश्वकर्मा ने की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री ने पीएम मोदी पर भी किया कटाक्ष, भाजपा सरकार पर भी जमकर बरसे पूर्व मंत्री। मोदी है तो सब कुछ है की मानसिकता गुजरात की धरती पर हुई फेल, मोदी जी पहुंचे फिर वर्ल्ड कप फाइनल हारी टीम इंडिया, यह कहना पूर्व मंत्री का है। पूर्व मंत्री ने भाजपा सरकार पर सपा नेताओं को टारगेट कर मुकदमा फंसाने का भी लगाया आरोप। भाजपा सरकार बदले की भावना से कर रही काम, आज के समय में लोकतंत्र व संविधान भी खतरे में पड़ा पूर्व मंत्री। पीडीए की पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने बताई नई परिभाषा, अगलों को भी जोड़ा। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगला, आदिवासी, आदि आबादी। पूर्व मंत्री ने विधायक रमाकांत यादव को बी कैटेगरी सुविधा नहीं दी जाने का भी लगाया आरोप। जेल में नहीं दी जा रही कोई बुनियादी सुविधाएं, फतेहगढ़ सेंट्रल जेल का है पूरा मामला। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है रमाकांत यादव से मिलने आए पूर्व मंत्री विश्वकर्मा जी ने। परमेश्वर दयाल एंड सन्स ज्वेलर्स, 90 वर्षों के विश्वास का एक अटूट बंधन। फरुखाबाद में 22 कैरेट 92% होलमार्क सोने के आभूषण खरीदने का एकमात्र शोरूम। हमारे यहाँ शुद्ध सोने, चांदी व डायमंड, एंटीक कुंदन पोलकी ज्वेलरी का आकर्षक कलेक्शन हर रेंज व होलसेल रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के अवसर पर खूबसूरत कलेक्शन लेने के लिए एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है नेहरू रोड फरुखाबाद। बार्सिलोना शोरूम लेकर आया है विंटर सीजन व वेडिंग का नया कलेक्शन। हमारे यहाँ पार्टी वियर सूट, कोटी, स्वेट शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, जीन्स, ट्रैक सूट, कुर्ता पजामा, लेडीज वियर, लॉन्ग कोट, जैकेट व एक्स्ट्रा साइज की सभी वेराइटी उपलब्ध है। हमारा पता है लोहाई रोड फरुखाबाद। और स्वस्थ हैं, अब जेल में परेशानी तो होती है और ये सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है वर्तमान विधायकों को बी कैटेगरी की सुविधाएं जेल में उपलब्ध कराने का प्राविधान है, लेकिन इस सरकार ने वर्तमान MLA जो इस समय है फूलपुर के वर्तमान MLA भी हैं रमाकांत यादव, उनको भी बी कैटेगरी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है। तो एक तरह से जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का होने के नाते ये BJP सरकार इन्हें परेशान कर रही है। चुनाव भी दूर है थोड़ा, लेकिन नारे बदल रहे हैं आपके, लोकतंत्र बचाओ, फिर पीडीए के की फुल फॉर्म बदल रही बार बार, कुछ फिट नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए ये संविधान तो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह के जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है और ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और तमाम मूलभूत सुविधाओं को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है और जो है बोलने पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम किया जाया, इससे तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र खतरे में है और संविधान भी खतरे में है। सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, कभी किसी पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन जो लोकतंत्र के जो मानक हैं या लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं उसको कोई भी सरकार रहे उसको कायम रखना चाहिए। वर्तमान में जो BJP की सरकार है उत्तर प्रदेश में लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रही है, उन्हें परेशान कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है,
ये आज तक कभी नहीं हुआ था जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। सरकार में तो हम लोग भी रहे, सरकार के बाहर हैं। सरकार के बाहर हम लोग जनता के लिए जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते हैं और सरकार में आते हैं तो नीतियों के अनुरूप उनको लागू करने का भी काम करते हैं। हम भी शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन जिस तरह से सरकार कर रही है वो उचित नहीं है। नारे बदल क्यों रहे? संविधान बचाओ तो अच्छा नारा था, पीडीए पे आ गए, पीडीए की फुल फॉर्म बदल गई। पीडीए को लोग जो है गलत तरीके से व्याख्या न करें। पीडीए पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, पीडीए का मतलब पूरी जनमानस हो गया। और ये जो है जो समाज में जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिन्हें आज़ादी के 75 साल के बाद भी अभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली हैं, शिक्षा का इंतजाम नहीं हुआ है, स्वास्थ्य इलाज का इंतजाम नहीं हुआ है, नौकरी रोजगार का इंतजाम नहीं हुआ है, उनकी बेहतरी के लिए काम करना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है, श्री अखिलेश यादव जी का लक्ष्य है। नौजवानों को नौकरी रोजगार दो, सबको मूलभूत शिक्षा दो, सबके जीवन खुशहाली लाओ, किसानों की जो है हालत बेहतर करो, यही नारा समाजवादियों का है और यही पीडीए भी है, यही समाजवादी भी है। प्रधानमंत्री जी का रथ मथुरा की तरफ मुड़ गया है तो उससे क्या होता है? प्रधानमंत्री तो पूरे देश और दुनिया में जाते हैं, नारे बदल रहे हैं, अभी जय श्री राम से जय श्री राधे हो गया। अभी तो प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी गए थे क्रिकेट मैच देखने, क्या रिजल्ट हुआ पता कर लो। वो शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है आजकल क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ, क्या पनौती क्या है, क्या कहते हैं? अब वो सब चीजें हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो है प्रधानमंत्री के ही जाने से एक जो मानसिकता फैलाई जाए कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है, ये जो है मानसिकता गुजरात के लोगों, गुजरात की धरती पे गलत सिद्ध हो गया, यहाँ पे इंडिया हार गई। 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, उस बीच मथुरा में भी हलचल शुरू हो गई, तो ये क्या धार्मिक एजेंडा रहेगा इस बार भी? अबे तो बीजेपी जाने उनका क्या एजेंडा है, मुकाबला तो आपको, लेकिन समाजवादी पार्टी का एजेंडा जो है गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़े, दलित, और ये है हम विकास के एजेंडे पर विश्वास करते हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हमेशा विकास का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई देने का काम हिंदुस्तान की धरती पर अगर कहीं हुआ है तो उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया है, नेताजी की सरकार ने किया है। मुफ्त एम्बुलेंस सेवाएं दी, आज क्या हालत है? पुलिसिंग व्यवस्था अमेरिकन के पैटर्न पर हमने यहां पर की। हमने बेटियों को पढ़ने के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया, हमने नौकरी दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, किसानों की आय बेहतर की, किसानों के लिए पानी, खाद, बिजली का बेहतर इंतजाम किया। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने और पूरे उत्तर प्रदेश को खुशहाल बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या हो रहा है? केवल धर्म का नारा दिया जा रहा है, मंदिर का नारा दिया जा रहा है। अभी कहते थे कि अभी अयोध्या है, फिर कहते थे कि काशी है, फिर कहते थे कि मथुरा है। ये आजकल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल लुभावने नारों में जनता को खुश करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि लुभावने नारे से गरीब का पेट नहीं भरता। इन लुभावने नारों से अयोध्या में दीपावली जला देने से या लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था कर देने से जो है किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती, उसका जीवन जो है वो उज्ज्वल नहीं हो सकता। तो भारतीय जनता पार्टी केवल नारों में जनता को गुमराह कर रख रही है और पूरी तरह से गरीब और बेबस बनाने का काम कर रही है।